हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेई नीट हिस्ट। तो आज हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मूल कंसेप्ट का ही टॉपिक है ये, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिकुलर मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिकुलर मास। इसके जेई में क्वेश्चन भी आते हैं, हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे इसके जो जेई में आए हुए हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिकुलर मास से। ठीक है, इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस टॉपिक को कि क्या बोलना चाहता है, अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं मिनिमम मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो आप देखो क्या बोल रहा है वो एग्जाम्पल में कि एक कंपाउंड हैव 8% सल्फर एटम। पहले आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि उसने क्वेश्चन में क्या क्या डाटा प्रोवाइड करवा रखा है और क्या पूछना चाह रहा है। तो पहला डाटा आपको मिला कि एक कंपाउंड है, आपको कोई कंपाउंड है वो 8% मतलब 8% सल्फर एटम कंटेन करता है। ठीक है, आपको उससे पूछ क्या रहा है, फाइंड मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आपको क्या दे दिया, परसेंट ऑफ एलिमेंट दे दिया है। मैंने आपको पीछे परसेंट ऑफ एलिमेंट पढ़ाया हुआ है बाकी प्रीवियस वीडियोज में, मूल कंसेप्ट की में। तो परसेंट एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, परसेंट एलिमेंट बराबर होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड। एंड परसेंट की बात करें तो अपने को किसके रेस्पेक्ट में काम करना होता है, हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में काम करना होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम मॉलिकुलर मास का पूछा जाए या मैक्सिमम मॉलिकुलर मास का पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिया होगा, परसेंट एलिमेंट दिया होगा कि उसमें किसी एक एलिमेंट का आपको परसेंट जरूर दिया होगा। ठीक है, एक का भी दे सकता है, एक से ज़्यादा का भी दे सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक का दिया है आपको, किसका दिया है, सल्फर एटम का दिया है, कितना दिया है 8%। तो आपको क्या लगाना है, परसेंट एलिमेंट का फॉर्मूला लगा देना है और उससे आपको क्या निकाल लेना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकाल लेना है। परसेंट एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, आपको कितना दिया है परसेंट एलिमेंट, 8% दिया है, तो 8 ये हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको एलिमेंट के नंबर नहीं पता, तो आप नंबर क्या मान लो कि हमने मान लिया कि उस कंपाउंड में या उस फॉर्मूला में एक्स नंबर ऑफ सल्फर प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, एक्स नंबर ऑफ सल्फर प्रेजेंट है। आपको पता है मोलर मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32, आपने 32 रख दिया, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड, आपने मान लिया मोलर मास कंपाउंड का कितना है, एम आपका मोलर मास है कंपाउंड का, मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंट के रेस्पेक्ट में काम करना है, परसेंट का काम करना है तो 100 के रेस्पेक्ट में काम करना है। अब बात करते हैं फॉर मिनिमम मॉलिकुलर मास, अगर वो आपसे क्या पूछे, मिनिमम पूछे, तो मिनिमम के लिए क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, एक रहेगी। क्यों, एक्स की मिनिमम के लिए आप सोच रहे होंगे क्या एक्स की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रख दोगे तो कंपाउंड में वो एटम कंटेन या प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो वो कंपाउंड उस एटम का तो होगा ही नहीं, तो कम से कम एक तो प्रेजेंट होगा ही। मिनिमम के लिए कितना होगा, एक्स बराबर 1 होगा। मैक्सिमम के लिए कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप कौन सी वैल्यू रखें और ऑप्शन में वो वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम में अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे अपन, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आप में एक्स की वैल्यू 1 रखो तो 8 बराबर 1 इंटू 32 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। 8 से ये 4 टाइम्स गया तो आपका एम कितना आ गया, 400 आ गया। कितना आ गया, 400 आ गया, ये तो आ गया। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये वैल्यू ए एम यू में आएगी या ग्राम में आएगी, कि एम किस में आएगी, ए एम यू में आएगी या ग्राम में आएगी, ये आपका डाउट होना चाहिए कि ए एम यू में रखेंगे या ग्राम में रखेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, मोलेकुलर मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, मोलेकुलर मास। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एटॉमिक मास पूछे या मोलेकुलर मास पूछे, वो किसका होता है, एक एटम का होता है, एक मॉलिक्यूल का होता है, तो उनके लिए अपन क्या प्रेफर करते हैं, ए एम यू प्रेफर करते हैं। और अगर वो आपसे मोलर मास पूछे, क्या पूछे, मोलर मास पूछे या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछे या ग्राम एटॉमिक मास पूछे, तो आपको किस में रखना है, ग्राम में रखना है। अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है ओनली, तो किस में रखना है, ए एम यू में रखना है। तो आपको क्लियर, यूनिट भी क्लियर होनी चाहिए साथ में, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हो तो यूनिट आपको साथ में क्लियर करके चलनी है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इंसुलिन कंटेन 3.2% सल्फर, कितना कंटेन कर रहा है, 3.2% सल्फर, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन। आपसे क्या पूछ लिया, इंसुलिन का मिनिमम मॉलिकुलर मास पूछ लिया, भाई परसेंट एलिमेंट वाला ही लगाना है, परसेंट एस मतलब सल्फर का दे रखा है, तो परसेंट एस बराबर एक्स इंटू मास ऑफ एस डिवाइड बाई एम। फॉर मिनिमम एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, आपने कर लिया, कितना आ गया, 1000 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा क्या है, मॉलिक्यूलर मास, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ए एम यू।
अगर आपसे क्या पूछता, मोलर मास, मोलर मतलब होता है वन मोल का मास, तब होती है आपकी यूनिट ग्राम में, ठीक है, क्लियर। और चलते हैं आगे, देखो अब बात करते हैं अपन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटॉपिक मिक्सचर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आपको पता ही होगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं। जैसे अपन किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके लिए क्या होती है, जेड की वैल्यू क्या होती है आइसोटॉप्स के लिए, सेम होती है। जेड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और ए की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जैसे किसी एलिमेंट के एक या दो या दो से ज़्यादा आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं, और उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे। क्यों, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एटम की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास ही बोलेंगे। तो अगर एक से ज़्यादा हो गए तो क्या बोलेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो उसका अपन क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको उसका एटॉमिक मास निकालना है एलिमेंट का जिसके क्या है, आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं। तो अपन कैसे निकालेंगे, एम एवरेज बराबर एम वन ए प्लस एम टू वी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अपन ने क्या मान लिया, कोई एलिमेंट है जिसके दो आइसोटॉप्स हैं, दो आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं, ए एंड बी, ये मान लिया, ठीक है, या वन या टू मान लिया, ठीक है। तो एम वन क्या है, एम वन यहाँ है आपका एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप वन, आपका जो आइसोटॉप वन है उसका एटॉमिक मास क्या है, एम वन, ठीक है। एम टू क्या है आपका एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप टू, मतलब दो आइसोटॉप लिए उनका मास क्या है, एम वन और एम टू है, ठीक है। ए एंड बी क्या है, ए और बी क्या है, अवंडेंस है, क्या है, अवंडेंस है। जैसे अपन क्या करते हैं, अवेंडेंस कर लेते हैं कितना पाया जा रहा है ये नेचर में, 100 के रेस्पेक्ट में उनको कर लेते हैं। जैसे आपका ए क्या हो गया, ए आपका 10% हो जाएगा, तो बी अपने आप ही कितना हो जाना चाहिए, बी कितना हो जाना चाहिए, 100 के रेस्पेक्ट में काम करते हैं अपन परसेंट के रेस्पेक्ट में, तो बी अपने आप क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, सॉरी। जैसे अपन बात करते हैं आइसोटॉप्स की, एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन के पाए जाते हैं जैसे 1H1, 1H2, 1H3। देखा आपने, जेड की वैल्यू सेम, लेकिन ए की वैल्यू क्या है सबकी, डिफरेंट है, 1, 2, 3, मतलब एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, और आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे ये आपका नेचर में पाया जा रहा है ऑलमोस्ट, ये वैसा आपका 99 के समथिंग पाया जाता है, ये आपका 1%, और ये आपका जैसे 0.91, ये हो जाएगा आपका 0.97, तो ये आपका हो जाएगा 0.3। तो टोटल कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। परसेंट की बात करें तो कितने के रेस्पेक्ट में काम करते हैं, हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में काम करने हैं। तो आपको एम एवरेज निकालना होता है, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, एम वन ए प्लस एम टू वी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना होगा, हमेशा 100 ही होगा, ठीक है। अगर वो घुमा के दे दे तो आपको देख लेना है, ठीक है, बट हमेशा कितना ही रहेगा, ए प्लस बी 100 ही रहेगा, ठीक है। एम वन क्या है, आइसोटॉप एटोमिक मास ऑफ आइसोटॉप वन, एम टू क्या है, एटोमिक मास ऑफ आइसोटॉप टू। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको अपन। जैसे आपको क्लोरीन दिया हुआ क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। आपका जो क्लोरीन 35 है उसके अबंडेंस है कितनी, 75%, और जो आपकी क्लोरीन 37 है उसकी कितनी हो जाएगी, 25%। देगा इनका एडिशन कितना होगा, 100 ही होगा। तो आपको एम एवरेज निकालना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, एम वन ए प्लस एम टू वी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, हमेशा 100 ही हो जाएगा। एम वन कितना हो जाएगा इसका, 35, अबंडेंस कितनी है इसकी, 75, तो 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, और आपका एम एवरेज आ जाएगा 35.5। और जो आपका एटॉमिक मास होता है, ये जो एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है, उसी को अपन किस में प्रेजेंट करते हैं, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जो आपके आते हैं फ्रैक्शनल में मास, वो उनका मतलब क्या होता है कि इनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं, तभी इनकी वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शनल में आ रही है। जैसे 17 क्लोरीन 35.5 आपका किस में होता है, पीरियोडिक टेबल में होता है। तो जो उसका 35.5 है वो क्या है, इसका एवरेज आइसोटॉपिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है किसका, आइसोटॉप्स का, ठीक है। और देखते हैं, जैसे आपको क्या यहाँ लिक्विड रखा है मैंने, इफ़ एन एलिमेंट हैज फ्रैक्शन एटॉमिक मास देन इट मे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोर देन वन आइसोटॉप। मतलब इसके क्या है, एक या एक से ज्यादा, सॉरी, दो या दो से ज्यादा आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं। मतलब इसका आइसोटॉप्स प्रेजेंट है, अगर आपका पीरियोडिक टेबल में कोई मास किसमें आ रहा है, फ्रैक्शनल में आ रहा है, तो मतलब उसका आइसोटॉप्स प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इनके सब क्या है, आइसोटॉप्स प्रेजेंट है। अब इसका और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो आ सकता है, उस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन आपका, द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, इसने क्या बोल दिया, द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8 mu। आपको मतलब क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है बोरोन का, कितना दिया हुआ है, 10.8 mu। इसके बाद वो बोल रहा है कि इफ इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटॉप्स, इसके दो आइसोटॉप्स हैं कौन कौन से, बोरोन 10 और बोरोन 11, देन कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ ईच आइसोटॉप्स इन द आइसोटॉपिक मिक्सचर।
आपको क्या पूछ रहा है, वो मोल परसेंट पूछ रहा है कि कितना कितना प्रेजेंट है, अबंडेंस ही पूछ रहा है वो एक तरह से, लेकिन किस में, मोल में, ना कि ग्राम में। मोल में बात कर रहे हैं, परसेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या कर लो, एक को एक्स मान लो और दूसरे को कितना हो जाएगा, वो अपने आप ही 100 - x हो जाएगा। क्लियर या नहीं होगा? तो आपके दो आइसोटॉप्स हो गए, बोरोन 10 और बोरोन 11। एक आपने मान लिया कि एक्स है, अज्यूम कर लिया कि एक्स मोल परसेंट है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 - x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, आपको वो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एम एवरेज बराबर m1a + m2b डिवाइड बाई a+b। और ए प्लस बी तो क्या रहेगा, हमेशा 100 रहेगा, अबंडेंस होता है उसका, एडिशन कितना होता है, 100 ही रहेगा। तो आपको जो आपको दिया हुआ है 10.8 a दिया हुआ है, एम एवरेज ही दिया हुआ है। तो 10.8 10x + 100 - x, दूसरा आइसोटोप का मास कितना है, 11, 11 / 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 20 आ गई है। मतलब आपका जो बोरॉन 10 है वो नेचर में कितना है, 20% है। ठीक है, और आपका जो बोरॉन 11 है वो कितना है, आपका 80% प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपने बता दिया कि बोरॉन 10 कितना प्रेजेंट है और बोरॉन 11 भी कितना प्रेजेंट है। और देखो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप देखो इसमें तीन आइसोटॉप्स के बारे में दे रखा है ये क्वेश्चन, समझो क्या बोल रहा है। एवरेज आइसोटॉपिक मास ऑफ ए मिक्सचर, ये क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज आइसोटॉपिक मास ऑफ ए मिक्सचर 79 mol%, तो इसने क्या दे दिया आपको, 24 mg, एंड 25 mg एंड 26 mg इज 24.31। ठीक है, एंड कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ 26 mg इन द मिक्सचर। आपको क्या बताना है, मोल परसेंट बताना है किसका, 26 mg का। क्या बोल रहा है वो, कि आपको जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है, 24.31 है। ठीक है, जिसमें आपका 79 mol% तो कितना हो गया, 24 mg हो गया। यहाँ एक मिसिंग रह गई है, एंड रेस्ट इज, यहाँ होगा आपका रेस्ट इज 25 mg एंड 26 mg, वो कितना है, 24.31 है। ठीक है, अब देखो क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोल परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मोल परसेंट कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे करेंगे कैलकुलेट। आपको mg दे रखा है, 24 mg कितना प्रेजेंट है, 79% प्रेजेंट है। और आपका जो 25 mg वो कितना मान लो आप, x मान लो, तो 26 mg कितना हो जाएगा, इनका एडिशन कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी का 100 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये, 21 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 21 - x हो जाएगा। तो आपको वही बताना है। ठीक है, अब m एवरेज क्या हो जाएगा आपका, m1a + m2b + m3c डिवाइड बाई a+b+c। ठीक है, तो इनका एडिशन है ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये तो m1a कितना हो गया आपका, 24 हो गया। a कितना हो जाएगा आपका, 79। b कितना हो गया आपका, x। c कितना हो गया आपका, 21 - x। m1 कितना हो गया आपका, 24। m2 कितना हो गया आपका, 25। m3 कितना हो गया, 26। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपने क्या कर दिया, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी है डायरेक्टली। तो आप वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। x कितना आ रहा है आपका, 11 आ रहा है। तो आपका जो 26 mg है वो कितना है, 21 - x। तो आप क्या कर दो, 21 - 11, मतलब आपका जो 26 mg है वो कितना प्रेजेंट है, 10% प्रेजेंट है। आगे समझ में, आपको कितने आइसोटॉप दिए, 3 आइसोटॉप दिए, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो आपका बेसिकली एम एवरेज होता है, आइसोटॉप्स का निकालते हैं उसको क्या बोल सकते हैं आप, समेशन अबंडेंस इनटू आइसोटॉपिक मास वाई 100। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। क्लियर, आगे चलें। अब आपको निकालना है एवरेज मोलर मास ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपको एटॉमिक मास नहीं निकालना, क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। किसका निकालना है, होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, आपने मान लिया कोई गैस है, गैस का क्या है, मिक्सचर है। एक गैस हो गई ए, दूसरी गैस हो गई बी। गैस ए का मोलर मास दे दिया आपको m1 और गैस बी का आपको मोलर मास दे दिया m2। ठीक है, आपको इनके मोल्स भी दे दिए, मोल्स दे दिए इसका, ए गैस का मोल दे दिया n1, बी दे दिया आपको n2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, अगर आप सिंगल सब्सटेंस का मास निकालते हो या मोल्स निकालते हो, तो मोल्स कैसे निकालते हो आप, मास डिवाइड बाई मोलर मास से आप क्या निकालते हो, मोल्स निकालते हो। पढ़ाई है आपने मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास या उस जितनी अमाउंट दे रखी है उतनी डिवाइड बाई मोलर मास। अगर आपको क्या निकालना है, मिक्सचर का, मिक्सचर के मोल्स निकालने, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ मिक्सचर। सेम इसी तरीके से कि आपको क्या कर लेना है, मास ऑफ मिक्सचर बता देख लेना है कितना, कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद उसको किससे डिवाइड कर देना है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर से डिवाइड कर देना है।
ठीक है आगे चलें। अब आपको निकालना, जैसे एम एवरेज निकालना होता है, तो एम एवरेज क्या होता है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। आपको एम एवरेज निकालना है तो कितना होगा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई टोटल मोल इन मिक्सचर, मतलब डब्लू टोटल डिवाइड बाई एन टोटल। ठीक है एम एवरेज क्या हो जाएगा, डब्लू टोटल डिवाइड बाई एन टोटल। डब्लू टोटल कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट डिवाइड बाई मोलर मास। तो आपका मोलर मास हो गया, जैसे मोल तो हो गया आपका एन वन, डब्लू आपको निकालना है, डब्लू वन निकालना है, मोलर मास हो जाएगा आपका एम वन। तो डब्लू वन कितना हो गया, एन वन इंटू एम वन, यही हो गया। तो आपने ये यही पुट किया है, एम वन इंटू एन वन प्लस एम टू इंटू एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एम टू। अगर आपको क्या दिया हुआ, मास परसेंट दिया हुआ हो, क्या दिया हो, मास परसेंट दिया हो, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पूछ करो, आपको मास परसेंट दिया हुआ हो या मास दिया हो। तो आपको जो एम एवरेज निकालना है, गैस का मोल क्या निकालना है, एवरेज मोलर मास निकालना है, एवरेज मॉलिकुलर मास। ठीक है तो कैसे निकालोगे आप, डब्ल्यू टी वाई एन टी से निकालोगे। ठीक है और अगर आपको क्या दिए हुए हैं, मोल्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, मोल्स दिए हुए हैं या मोल परसेंट दिए हुए हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एम टू। एम वन एन वन क्या है, ये बेसिकली डब्ल्यू टी है, ये पूरा क्या है, डब्ल्यू टी टर्म्स है, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करोगे टाइम वेस्ट होगा इसके, क्या है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है अब देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, गैस मिक्सचर कंटेन 10 ग्राम H2 एंड 64 ग्राम O2, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो देखो कैसे करना है इसको, आपको क्या बताया, एम एवरेज निकालना है, तो डब्लू टी वाई एन टी ये होता है टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है तो डब्लू टी कितना हो गया, आपको मैंने बोला था आप क्या दिया हुआ है, अगर मास दिया हुआ हो तो क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला डब्लू टी वाला यूज करो। डब्लू टी कितना हो गया, 10 ग्राम प्लस 64 ग्राम। इसके बाद एच टू है, मोल्स निकालने हैं आपको, तो पहले एच टू के लिए कितने मोल्स हो जाएंगे, वेट डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है एच टू का, 2 प्लस 64, ओ टू के लिए कितना होता है 32, तो ये कितना हो गया आपका 74 डिवाइड बाई 5 प्लस 2, ये आपका आ गया 74 डिवाइड बाई 7, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा ये 10.5 के समथिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास हो जाएगा। तो आपको ऐसे आपका एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है, समझ लीजिएगा कैसे आ गया, डब्ल्यू टी मतलब आपको जो टोटल वेट दिया है उसका क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है, डिवाइड बाई टोटल मोल्स, मोल्स मतलब एक एच टू के लिए मोल्स और ओ टू के लिए मोल्स, ऐसे कितने भी मिक्सचर दिए हुए H2O2 N2 कितने भी दिए हुए उसके अकॉर्डिंग ही कर लेना है। ठीक है अब देखो आपको दूसरा क्वेश्चन, देखो द एम एवरेज ऑफ ए गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड SO3 70। आपको क्या दे दिया, एम एवरेज दे दिया, इस बार कितना दे दिया, ये 70 दे दिया। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ SO2 इन द मिक्सचर। ठीक है आपको जैसे गैसेस मिक्सचर दिया है, किसका दिया है, SO2 और SO3 का दिया है, और इसका कितना दे दिया आपको, उन्होंने एम एवरेज 70 दे दिया। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट ऑफ SO2, क्या करो परसेंट की बात कर रहा है, एज्यूम कर लो ये एक्स हो जाएगा, ये आपका 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है एम एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मास परसेंट क्या लगाओ, डब्लू टी डाई एन टी, एम एवरेज कितना दिया आपको 70, डब्लू टी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, मतलब आपने कितना एज्यूम किया 100 ग्राम, और एन टी कितना हो जाएगा आपका SO2 के मोल प्लस SO3 के मोल, SO2 के मोल कितना हो जाएंगे x डिवाइड बाई SO2 का कितना होता है 32 प्लस 32 64 प्लस 100 माइनस x डिवाइड बाई SO3 का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 32 एंड O3 का हो जाएगा आपका 16 32 16 48, कितना हो जाएगा ये 2 8 10 1 4 4 8 80 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या कर लेना है, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा कि आपका मास परसेंट ऑफ SO2 कितना प्रेजेंट है मिक्सचर में। ठीक है इसका देखो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एम एवरेज मास ऑफ गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड O2 इन ए मोलर रेशियो 2:1 रेस्पेक्टिवली। आपको क्या दे रखा है, एम एवरेज बताना है, गैसेस मिक्सचर दे रखा है, किसका मिक्सचर है ये आपका, किस किस का, SO2 और O2 का, और मोलर रेशियो दे रखा है इनका आपका 2:1। मैंने बोला है आपको, अगर आपको क्या दिया हो एम एवरेज निकालना है, अगर मोल दिए हों तो आप डायरेक्ट फार्मूला कौन सा यूज करो, एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू
डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू, यही यूज करो। ठीक है, एम एवरेज निकालना, एम वन कितना हो जाएगा एस ओ टू के लिए, अभी देखा था अपन ने 32 + 32 = 64, एन वन कितना हो गया आपका 2, प्लस एम टू कितना हो जाएगा आपका, देखो ओ टू के लिए कितना हो जाएगा 32, एन टू कितना हो गया आपका 1 डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये आपका जाएगा 128 प्लस 32 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, एम एवरेज कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लेना आप, फिर भी मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ, 128 प्लस 32 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आ गया 53.33। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम एवरेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53.33, आपका क्या आ गया, एम एवरेज आ गया मिक्सचर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज मोलर मास ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग ओ टू एंड ओ थ्री इज, आपको मिक्सचर दिया है ओ टू और ओ थ्री का, ठीक है, इसका एवरेज मोलर मास भी आपको दे दिया, कितना है इसका 40 है। कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ ईच गैस, आपसे क्या पूछ रहा है, मोल परसेंट पूछ रहा है, मैंने क्या बोला एज्यूम कर लो, कितना एज्यूम कर लो इसको एक्स, इसको 100 माइनस एक्स, ठीक है, एम एवरेज निकालना है, अगर मोल परसेंट दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करो, एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू, एम वन एन वन कितना हो जाएगा आपका, एम वन हो जाएगा ओ टू के लिए आपका हो जाएगा 32, एन वन हो जाएगा आपका एक्स, एम टू हो जाएगा आपका 48, ओ थ्री के लिए कितना हो जाएगा 48, और एन टू कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू, कितना हो जाएगा एन वन प्लस एन टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, मतलब 100, और आप एम एवरेज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40, 32 प्लस एक्स प्लस 48, 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, इसको आप सॉल्व कर लो, ये इन टू है सॉरी, तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, मोल परसेंट हो जाएगा किसके लिए, एक्स ओ टू के लिए, और 100 माइनस एक्स किसके लिए हो जाएगा, ओ थ्री के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली होता क्या है आपका, सिंपलेस्ट रेशियो होता है, क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, और मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी फार्मूले में, वो आपका क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला होता है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे आपका C2H2, ये क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है, 2:2 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है, 1:1, तो CH क्या हो जाएगा आपका, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही क्या आपका बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, CH, यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, और बेंजीन क्या आपका मॉलिकुलर फार्मूला है, जो आपका मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ आपको अगर एन कैलकुलेट करना है तो एन क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू, और आप एन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला आ जाएगा, अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो आ गया एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है आपका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, और मॉलिकुलर फार्मूला का होता है आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो किसी फार्मूला में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है तो क्या होता है वो, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, एन कैसे कैलकुलेट करना है, मॉलिकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दे रखा है कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन 12% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन बाय मास, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो आपको कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है आपको 60% बाय मास, ठीक है, ये आपको दिया है 12% बाय मास, और बाकी का क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 100 में से इनको माइनस कर दो, क्यों, परसेंट के रेस्पेक्ट में किसके काम करते हैं अपन, परसेंट दिया हो तो 100 के रेस्पेक्ट में काम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 72, 100 माइनस 72 कितना हो जाएगा आपका 28, ये आपको क्या हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ये क्या बोला बाय मास। तो क्या करो, मान लो आपका कार्बन कितना हो जाएगा 60 ग्राम, हाइड्रोजन कितना हो गया 12 ग्राम, और आपने ऑक्सीजन हो गया आपका 28 ग्राम, आपने क्या मान लिया, इनको क्या मान लिया, 100 के रेस्पेक्ट में मान लिया कि 100 ग्राम का 60% कितना होता है कार्बन 60 ग्राम, 12% कितना होता है 12 ग्राम, और 28% कितना होता है 28 ग्राम, क्या निकाल लेना इसके बाद, आपको मोल निकाल लेने, क्या निकाल लेने इसके, मोल निकाल लेने, तो 60/12 कितना आ गया आपका 5 मोल, हाइड्रोजन के कितने मोल आ जाएंगे 12/1 मतलब 12 मोल, ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे 28/16 मतलब ऑलमोस्ट ये कितना के इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा,
तो आपका जो फॉर्मूला है कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला C5H12O2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया है। अगर वो आपको क्या देता है, यहाँ मॉलिकुलर मास देता तो आप मॉलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेते, कैसे वो आपको पता ही है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको यहाँ दिया है मॉलिकुलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 166 दिया हुआ है। एलिमेंट आपको दिए हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके क्या है फॉर्मूला में प्रेजेंट है। इनका परसेंट भी आपको दिया हुआ है कि कार्बन है वो कितना प्रेजेंट है 57.82, हाइड्रोजन कितना है 3.6 और बाकी का कितना हो जाएगा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा। और इनका एडिशन कितना होगा, हमेशा 100 ही होगा। क्यों, परसेंट की बात करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में काम करते हैं, 100 के रेस्पेक्ट में काम करते हैं। ठीक है, आप इनको क्या मान लो 100 ग्राम मान लो, एज्यूम कर लिया, तो आपका जो कार्बन है वो कितना हो जाएगा 57.82 ग्राम, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3.6 ग्राम, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 38.58 ग्राम। इसके बाद आपको क्या निकाल लेना है, मोल्स निकाल लेने, क्या निकालने, मोल्स निकालने सबसे पहले। ठीक है, तो आपने कार्बन के मोल्स निकाले, मोल्स कैसे निकालने आपको पता ही है, अमाउंट डिवाइड बाई मोलर मास, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो आपने क्या निकाले, मोल्स निकाले, कार्बन के मोल्स आए आपके 4.8, हाइड्रोजन का है आपके 3.6 और ऑक्सीजन का है 2.4। सबके कैसे आ रहे हैं, फ्रैक्शनल में आ रहे हैं। अब फ्रैक्शनल में अगर आपके क्या है मोल्स आए, तो क्या करना है आपको, रिलेटिव मोल्स निकालने। रिलेटिव मोल्स, रिलेटिव मोल्स क्या होते हैं, आप क्या कर देते हो, रिलेट कर देते हो किसी से। जैसे आपने पैसे को, डॉलर को किससे रिलेट कर सकता है, पैसे से रिलेट कर सकता है, ऐसे आप क्या कर लेते हो, मोल्स को रिलेट कर देते हो सबसे छोटी वैल्यू से। यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 2.4, तो क्या करो आप 2.4 से सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, 2.4 से आपने 4.8 को डिवाइड किया, कितना आया 2, 3.6 को किया तो कितना है 1.5 एंड 1। इसके बाद क्या है, अगर आपकी वैल्यू किस में आ रही हो, होल नंबर में आ रही हो, तो आपको वही एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो वैल्यू है वो अगर होल नंबर में नहीं आ रही है, तो क्या करना है आपको, उनको चेंज करना है कि वो होल नंबर में हो जाए। तो कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे चेंज करना है, देखो कि किससे अपन मल्टीप्लाई करें कि वो आपका जो नंबर है वो किस में चेंज हो जाए, होल नंबर में चेंज हो जाए। तो आपने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखा ये आपका किस में चेंज हो गया, होल नंबर में चेंज हो गया है। तो आपका ये वैल्यू जो आ गई, ये क्या हो जाएंगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला की वैल्यू हो जाएंगी, तो C4H3O2। इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है, आपको पता है मॉलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर, आपको क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है, एन की वैल्यू चाहिए किसके लिए, मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए। एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आपको यहाँ दिया हुआ है मास किसका दिया हुआ है, मॉलिकुलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 166। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट कर लो, आपको आ गया फॉर्मूला C4H3O2, आपने किया कितना आया, ये 83 आया, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इसको आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो तो C कितना हो जाएगा आपका C8H6O4। तो आपको ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करना है, परसेंट को ग्राम में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करने के बाद मोल्स निकाल लें, मोल्स निकालने के बाद उनको रिलेट करना है, रिलेटिव मोल्स निकालने हैं आपको, एंड उसके बाद क्या चेंज करना है, उनको होल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, यही आपको क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की प्रोसेस है पूरी। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो आपका, इसमें बोल रखा है एन ऑक्साइड ऑफ एस है 50% ऑक्सीजन, फाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, इसने आपको यहाँ मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल रहा है, तो एस दे रखा है, कितना दे रखा है 50%, तो आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 50, मतलब ऑक्सीजन में कितना हो गया आपका 50% हो गया। क्या निकालना है, सबसे पहले मोल्स निकालने, मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे किससे, इनके मोलर मास से, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये आपके क्या आ गए, मोल्स आ गए। इसके बाद क्या कर लो आप, क्या निकाल लो, रिलेटिव मोल्स निकाल लो। अगर आप इनको रिलेट करो, रिलेटिव मोल्स निकाल रहे हो, अगर आप इनको रिलेट करो तो ये क्या हो रहा है, 1:2 में प्रेजेंट है। तो आपका जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा या एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, इनके लिए SO2 ही होगा। आपको यहाँ मॉलिकुलर फार्मूला का मास नहीं दे रखा, तो आपका यही क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला है जो एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन 40% ऑक्सीजन बाई मास, इफ एन एटोमिक वेट ऑफ मेटल इज 24, देन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको, आपका क्या है, एम है
और एक मेटल है, उसमें क्या है ऑक्सीजन है। आपकी ऑक्सीजन कितनी है 40%, तो आपको 40 ग्राम तो क्या हो गया ऑक्सीजन हो जाएगा। तो मेटल कितना हो जाएगा खुद ही 60 ग्राम हो जाएगा। क्यों, इनका एडिशन कितना होता है आपका 100 ग्राम होता है। तो आपको क्या निकालना है, उसके बाद सबसे पहले मोल्स निकालने, मोल्स निकाला, इसको आपका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, मेटल का कितना दिया हुआ है 24, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 पता है आपको। ये आपने किया तो कितने आ रही है 2.5 × 2.5। क्या करो, रिलेटिव मोल्स निकाल लो, कितना आ रहा है 1:1। तो आपका जो कितना हो जाएगा ये M into O, मतलब MO आपका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मेटल ऑक्साइड का। आपको यहाँ कोई मास नहीं दे रहा मॉलिकुलर मास, तो मिनिमम मॉलिकुलर मास भी कितना हो जाएगा आपका, M कितना है 24, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, जो आपका जेई मेन 2014 में आया हुआ है, क्या बोल रहा है, ए गैसेस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेन 12.5% ऑफ हाइड्रोजन। मतलब आपका नाइट्रोजन है कंपाउंड में और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 12.5%, इसको ग्राम में लिख लो डायरेक्ट। तो आपका नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 100 − 12.5 ग्राम, ये हो जाएगा 100 − 12.5 ग्राम, तो ये कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 87.5। इसके बाद क्या निकालो आप, इनके मोल्स निकालो, मोल्स निकालो, तो 87.5 डिवाइड बाई नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12.5 डिवाइड बाई 1 कितना आ रहा है, ये तो आ गया आपका 12.5 और ये आपका आ रहा है देखो 16.25 आ रहा है, 6.25। इसके बाद क्या निकालना है आपको, रिलेटिव मोल निकालने, क्या निकालने आपको, रिलेटिव मोल निकालने, रिलेट कर दो 6.25 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपके जो रिलेटिव मोल्स हैं वो कितने आ जाएंगे 1 और ये कितना आ जाएगा 2। तो आपका जो क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा आपका NH2। ये तो क्या आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, आपको क्या निकालना है, मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है कंपाउंड का। ठीक है, तो मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, एन कहाँ से निकलता है, मास ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला डिवाइड बाई मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मास ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो, उसने दे रखा है क्या, दे रखा है डेंसिटी दे रखी है ऑफ द कंपाउंड ऑफ रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16। अगर आपको डेंसिटी दी जाए किससे रिलेटेड, हाइड्रोजन से रिलेटेड, तो आपको जो मास होता है वो कितना हो जाता है 2 × वेपर डेंसिटी, और आपका मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है आपका 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तो दो हाइड्रोजन है तो 16, ये हो गया आपका 16। तो आपकी 2 डेंसिटी आपको दे रखी है 16 डिवाइड बाई 16, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 हो गई है। तो आपका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा 2 × NH2, मतलब N2H4 आपका क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। क्लियर, आगे चले। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, जेई मेन 2006 में आया हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर, द मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर इज। अपने ये क्वेश्चन पीछे भी क्या हुआ है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको क्या पूछ रहा है, वो मिनिमम मॉलिकुलर वेट पूछ रहा है कंपाउंड का। ठीक है, उसने आपको बोल रखा है कि 8% सल्फर एटम कंटेन है, तो करो आप 8% क्या है, क्या लगाना आपको यहाँ, परसेंट एलिमेंट लगाओ डायरेक्ट, परसेंट एलिमेंट का फॉर्मूला, परसेंट एलिमेंट क्या होता है, आपने मान लिया एक्स उसके एटम प्रेजेंट हैं, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड और परसेंट की बात हो रही है तो किसके रेस्पेक्ट में काम करते हैं, हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में काम करते हैं। परसेंट एलिमेंट मतलब 8% दिया हुआ है सल्फर का। अब मिनिमम के लिए क्या, एक्स पहले तो मान लिया एक्स से प्रेजेंट है आपके सल्फर के फॉर्मूले में, कितने एक्स प्रेजेंट है, मास ऑफ एलिमेंट सल्फर का मास कितना होता है 32, मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपने को पता नहीं है, ये कैलकुलेट करना है, एम मान लिया इंटू 100। तो मिनिमम के लिए क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी होती है 1 रखनी होती है, एक्स की वैल्यू आप 1 रखो तो 8 बराबर 1 × 32 डिवाइड बाई एम इंटू 100, तो आपका ये कितना बार गया 4, तो आपकी जो एम की वैल्यू कितनी आ गई है 400 ग्राम मोल इनवर्स आ गई है। तो कितना आंसर हो गया आपका, वी आंसर हो गया है, मिनिमम मॉलिकुलर वेट पूछा है उसने कंपाउंड का। ठीक है, क्लियर।
आपको यहाँ पूछना चाहिए था मोलर वेट पूछना चाहिए था, क्योंकि जो यूनिट दे रखे हैं वो किसकी दे रखी हैं, मोलर मोलिकुलर वेट की दे रखी हैं। ठीक है, क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपकी वीडियो क्लियर, ठीक है। तो आपको आज कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंट एलिमेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद क्या है आइसोटॉपिक मास मतलब एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होता है आइसोटॉपिक मिक्सचर के लिए। तो क्या करना है, एम एवरेज बराबर एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू डिवाइड बाई ए प्लस बी। उसके बाद कौन सा लगाया था अपन ने, एवरेज मोलिकुलर मास निकालना था। कैसे, दो गैस मिक्सचर दे रखा था, गैस मिक्सचर में दोनों के आपको क्या दे रखी होगी, अमाउंट दे रखी होगी और उनका क्या दे रखा होगा कि कितना परसेंट प्रेजेंट है, ये दे रखा होगा। तो आप एम एवरेज निकाल लो एंड उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आज की वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में चैनल को शेयर भी करें।